केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं 12वीं कक्षा की बाकी रह गई परीक्षाओं का आयोजन 1 से 15 जुलाई तक करेगा। इसके लिए सीबीएसई शेष परीक्षाओं का शेड्यूल यानी टाइम टेबल जल्द जारी करेगा। इस शेड्यूल में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बाकी रह गई कक्षा 10वीं 12वीं की परीक्षाएं भी शामिल होंगी। रिपोर्ट के अनुसार सीबीएसई 12वीं कक्षा का परिणाम अगस्त में होने वाली जेईई एडवांस से पहले जारी किया जा सकता है। सीबीएसई बोर्ड 10वीं 12वीं कक्षा के 83 में से 29 विषयों की परीक्षाएं आयोजित कर रहा है। इन्हीं परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी किया जाना है। माना जा रहा है कि सीबीएसई अगले एक हफ्ते में परीक्षा डेट जारी कर सकता है। एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में बोलते हुए बताया कि इस साल कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया 1 जुलाई 2020 से शुरू हो जाएगी, लिहाजा सीबीएसई की परीक्षा 15 जुलाई को समाप्त हो जाएंगी। ऐसे में प्रवेश परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र 15 जुलाई के बाद भाग ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि 30 जुलाई तक कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस मौके पर उन्होंने नए परीक्षा सत्र और अगले साल होने वाली 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कहा कि आगे की परिस्थिति कैसे होती है इस बात पर निर्भर करेगा। हालांकि उनकी पूरी कोशिश है कि परीक्षाएं और रिजल्ट समय पर जारी किए जाएं। सीबीएसई की शेष परीक्षाओं का ऐलान करते हुए केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि सीबीएसई की बाकी परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच आयोजित होंगी। इससे पहले 5 मई को वेबिनार के जरिए जेईई मेन 2020, नीट 2020 और जेईई एडवांस की परीक्षा तिथियों का ऐलान किया था। जेईई मेन की परीक्षा 18 से 23 जुलाई के बीच होंगी, जबकि नीट 2020 की परीक्षा 26 जुलाई को आयोजित की जाएगी। वहीं जेईई एडवांस की परीक्षा 23 अगस्त में आयोजित की जाएगी। प्रतीक शर्मा के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट, पंजाब केसरी दिल्ली। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।